विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिला कक्षा 10 विषय अंग्रेजी वीडियो क्रमांक 11 टॉपिक पास्ट इंडेफिनेट टेंस सिंपल पास्ट टेंस। आज मैं इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनेट टेंस की एक्सरसाइज समझा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से समझेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आपको ध्यान से समझते रहना है इसको, मैं सेंटेंस वाइज समझाता रहूँगा इसलिए ध्यान रखें। तो एक्सरसाइज पास्ट इंडेफिनेट टेंस के रूप भरने, इसके जो वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म भरनी। तो जो पहला प्रश्न है इसका एक्सरसाइज का, इंडिया रिक्तिस्तान बिकम फ्रीडम, बिकम थ्री लिखें, बिकम थ्री इन 1947 इंडिया बिकम थ्री, यहां लिखें थ्री, थ्री भी हो सकता है इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, ये सब भी हो सकता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ये भी हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे जो शब्द आए उसके अनुसार, लेकिन यार इंडिया बिकम फ्री इन 1947 तो ये पास्ट है, पास्ट टाइम है, तो हमारी स्वतंत्रता पास्ट में मिली। तो यहां भूतकाल आएगा, पास्ट सिंपल टेंस की फॉर्म भरी जाएगी। तो हम समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में कर्ता चार्मिक क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, सेकंड फॉर्म बिकम के लिखना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है इंडिया बिकेम फ्री, बिकेम फ्री, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। प्रश्न क्रमांक 2, इंडिया गेट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो या इन आया हुआ है सन के लिए, इन और दिन या तारीख दिनांक बार के लिए ऑन, और ये भी पास्ट है 15 अगस्त 1947। तो ये इस प्रकार का प्रश्न आता है, ऐसा भी आता है। तो इंडिया गॉट फ्रीडम, सेकंड फॉर्म भरो गेट की, गॉट भारत ने आजादी प्राप्त की, भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त की। प्रश्न क्रमांक 3, आई सी ए लॉइन इन दी जू लास्ट संडे, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, लास्ट प्लस टाइम दिया हुआ। तो आई सॉ, सेकंड फॉर्म भरो कर्ता के साथ में, सी की सॉ, सॉ ए लॉइन एक शेर देखा इन दी जू चिड़ियाघर में, लास्ट संडे मैंने गत रविवार को चिड़ियाघर में एक शेर देखा। रिक्तिस्तान यू नॉट विजिट टू योर टीचर यस्टरडे, पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट टेंस। तो ये सिंपल बताना है, सिंपल पास्ट टेंस। और सेंटेंस कैसा है, प्रश्नवाचक है, लगा हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक और नॉट भी है, इंडिकेट प्लस नेगेटिव है। हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट के इंडिकेटिव नेगेटिव में डिड प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ प्रश्नवाचक है इसलिए शायद क्रिया को आगे लिखते हैं डिड यू, फर्स्ट फॉर्म लिखो विजिट की, विजिट नॉट विजिट, डिड यू नॉट विजिट, ये हो गया। प्रश्न क्रमांक 5, सम डेज अगो, अगो पास्ट सिंपल, कुछ दिन पहले, आई गो टू जयपुर टू विजिट माय फ्रेंड, मैं मेरे दोस्त से मिलने के लिए जयपुर गया, पास्ट सिंपल की फॉर्म करो गो की वेंट। प्रश्न क्रमांक 6, चंद्रगुप्त मौर्य, हिस्टोरिकल प्रश्न है, वो भी पास्ट सिंपल में आते हैं,
सिंपल पास्ट टेंस में बी ए ग्रेट किंग इन इंडियन हिस्ट्री, हिस्टोरिकल थिंग ऑलवेज अपीयर्स इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चंद्रगुप्त मौर्य वाज, बी फॉर्म लिखनी है, वाज वर इज आर एम, बी फॉर्म, तो पास्ट फॉर्म हो गई, वाज सिंगुलर नाउन है, वाज ए ग्रेट किंग इन इंडियन हिस्ट्री। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास में एक महान राजा थे, ये हो गया बी फॉर्म। ये भी पास्ट सिंपल है, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस है। आई हैव दी कोविड 19 लास्ट विंटर, लास्ट विंटर को मुझे कोविड 19 था, क्या हुआ था, ऐसा भाव है इसका। तो हैव की पास्ट सिंपल में क्या हो जाएगा, हैड, सीधी सेकंड फॉर्म मानी जाएगी, सारी क्रिया होते हुए यहाँ पास्ट सिंपल है, मूल वर्ब का काम करती है। तो आई हैड दी कोविड 19 लास्ट विंटर। प्रश्न क्रमांक 8, राहुल मीट मी लास्ट नाइट, लास्ट प्लस टाइम है, पास्ट सिंपल, मीट मूल वर्ब है, मीट की सेकंड फॉर्म करो मेट मी। ये आठवां प्रश्न इस प्रकार, राहुल मुझे लास्ट या गत नाइट या गत रात्रि को मिला। प्रश्न क्रमांक 9, रिक्त स्थान ही लर्न ग्रामर इन लास्ट पीरियड, लास्ट प्लस टाइम है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, क्या हो जाएगा इसका, प्रश्नवाचक है डी, प्योर प्रश्नवाचक है, डिड ही लर्न, क्या उसने व्याकरण सीखी, लर्न, डिड ही लर्न ग्रामर इन लास्ट पीरियड, क्या उसने पिछले कालांश में व्याकरण सीखी, प्रश्नवाचक। हिस्टोरिकल प्रश्न है या दसवां, कालिदास राइट सो मेनी ड्रामास, कालिदास ने बहुत सारे नाटक लिखे, तो कालिदास हिस्टोरिकल थिंग है, महान कवि हुआ हिस्ट्री में जो, तो कालिदास ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, कॉमन सेंस चाहिए इसमें। कालिदास रॉट, सेकंड फॉर्म भरो, रॉट सो मेनी ड्रामास, कालिदास ने बहुत सारे नाटक लिखे। अनिल प्रश्न क्रमांक 11, बाय ए न्यू टीवी सेट लास्ट वीक, लास्ट प्लस टाइम है, तो बाय की मूल वर्ब बाय है, बाय का सेकंड फॉर्म है होती है बॉट, बॉट बनी, बॉट यानी खरीदा। अनिल ने एक नया, लास्ट वीक गत सप्ताह एक नया टीवी सेट खरीदा। प्रश्न क्रमांक 12, We not play football last evening. हमने last evening को गत शाम को football नहीं खेला। तो क्या हो जाएगा? ये negative है। इसको ध्यान रखना है। Not plus verb की form दी हुई है मूल रूप play। तो past simple में वो simple past में did not play first form, did not plus क्रिया की first form, did plus क्रिया की first form, did not play लिखे हैं। प्रश्न क्रमांक 30, आई फिनिश माई होमवर्क यस्टरडे, यस्टरडे क्या बता रहा है, सिंपल पास्ट टेंस बता रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता रहा है। तो आई फिनिश्ड, सेकंड फॉर्म वर्ब फिनिश, समाप्त किया, फिनिश्ड, आई फिनिश्ड। 40, इट रेन वेरी हैवी लास्ट मॉर्निंग, गत सुबह बहुत भारी वर्षा हुई, बहुत भारी वर्षा हुई, लास्ट मतलब टाइम है, तो रेन, इट रेन। प्रश्न क्रमांक अंतिम 15, वंस देयर बी ए ग्रेट किंग नेम्ड अशोका इन द इंडियन हिस्ट्री, वंस देयर बी फॉर्म भरना है, ए ग्रेट किंग नेम्ड अशोका इन द इंडियन हिस्ट्री, एक समय भारतीय इतिहास में अशोक नाम का महान राजा था। तो बी फॉर्म में पास्ट में आएगा वॉज, सिंगुलर नाउन है, वंस देयर, यहां इसके अनुसार वंस देयर वॉज ए ग्रेट किंग नेम्ड अशोका इन द इंडियन हिस्ट्री। इस प्रकार ये 15 प्रश्न है, आपको इसको समझना है और वापस इसको पढ़ना है।
और अपने नोटबुक में लिखना है। थैंक यू, विथ माई बेस्ट विशेज ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स।